हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई एम अरविंद कुमार सिंह, योर जीके टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 20, कैपिटल ऑफ इंडिया, क्लास 2, सब्जेक्ट जीके, लेक्चर 23, कैपिटल ऑफ इंडिया। बच्चों, आप अपनी बुक को खोल लें। आज बुक में भी काम कराएंगे और बोर्ड पे भी काम कराएंगे, ठीक है? तो पहले बुक को खोलते हैं। कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे कि चैप्टर से ही पता चलता है, कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी। बच्चों, भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। चलिए बुक देखते हैं। आई ये आपका बुक हुआ, कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी। इस चैप्टर से आप पढ़ेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो वहाँ न्यू दिल्ली आप समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ फिगर दिए हुए हैं, फिगर को देख करके आपको उनका नाम बताना है, ठीक है? देखिए क्या बोलता है बुक। डू यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या तुम जानते हो भारत की राजधानी कहाँ है? नो, नहीं। लेट मी टेल यू, चलो मैं तुमको बताता हूँ। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव हियर, यहाँ भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दीज टू पीपुल, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दीज टू पीपुल, यहाँ दो लोगों की तस्वीर देखो। राइट देयर नेम, और उनका नाम लिखना है। बच्चों, यहाँ दो लोगों की तस्वीर दी हुई है, उनके नाम को आपको लिखना है। ये तस्वीर आप गौर से देखें, ये तस्वीर आप रोज़ देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं। तस्वीर किनकी है? ये प्राइम मिनिस्टर, भारत के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उनकी तस्वीर है। तो खाली जगह पे आप इनके नाम को लिखोगे, क्या लिखोगे? नरेंद्र मोदी, ठीक है? दूसरा नंबर तस्वीर आप गौर से देखें, ये प्रेसिडेंट, ये क्या लिखा है साइड में? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अभी भारत के राष्ट्रपति जो हैं, उनकी ये तस्वीर है। इनके नाम को आपको यहाँ लिखना है। इनका क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। बच्चों, आप भी अपनी बुक में ये नाम को लिखें। एक नंबर में आप लिखेंगे तस्वीर के नीचे नरेंद्र मोदी, दो नंबर में लिखेंगे रामनाथ कोविंद, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ दीज टू बिल्डिंग्स, इन दो बिल्डिंग्स की तस्वीर को देखो। राइट देयर नेम, और उनका नाम लिखो। बच्चों, गौर से आप यहाँ देखो, इस बिल्डिंग्स की तस्वीर को देखो। ये तस्वीर देखने से ये क्या लगता है आपको? ऐसे इशारे के लिए कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स हियर, यहाँ भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति जिस घर में रहते हैं, जिस बिल्डिंग्स में रहते हैं, उस घर को क्या बोलते हैं? यहाँ थ्री नंबर में हमें लिखना है राष्ट्रपति भवन, यहाँ लिखा हुआ है, आप भी अपने बुक में लिख लो राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट फोर नंबर क्या बोल रहा है, इस तस्वीर को गौर से देखें। तस्वीर देखने के बाद में आप इस सेंटेंस को पढ़ें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तस्वीर जो है, बिल्डिंग जो है, ये किस चीज़ की बिल्डिंग्स है। कंट्री अफेयर्स एंड पॉलिसीज आर डिस्कस हियर, देश के कार्यकलाप और नीति यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे देश की नीति और कार्यकलाप डिस्कस किए जाते हैं? ये बिल्डिंग को गौर से देखेंगे, ये पार्लियामेंट हाउस की तस्वीर है। बच्चों, पार्लियामेंट हाउस जो है, ये देश के नीति और कार्यकलाप की चर्चा इसमें होती है, पार्लियामेंट हाउस में। आप फोर नंबर में क्या लिखें?
पार्लियामेंट हाउस। चलिए, क्योंकि चैप्टर है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, लोटस टेम्पल है, जंतर मंतर है, इंडिया गेट है, जमा मस्जिद है। अब इसको देखते हैं डिटेल्स में क्या बोल रहा है। इफ यू विजिट दिल्ली, अगर तुम दिल्ली जाओ, अगर तुम दिल्ली की विजिट करो, यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, एंड सी दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड पैलेस। इन सुंदर बिल्डिंग्स को और जगहों को देखना चाहिए। राइट फर्स्ट लेटर टू कंप्लीट देयर नेम। यहाँ पे आपको फर्स्ट लेटर लिख करके इन बिल्डिंग्स की को कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे UTVAINAR है, तो जो खाली जगह है यहाँ क्यू भरेंगे तो कुतुब हो जाएगा, यहाँ एम भरेंगे तो मीनार हो जाएगा, ठीक है, कुतुब मीनार हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे आप OTUS है और EMPLE है, तो यहाँ EL लिखेंगे फर्स्ट लेटर, की क्वेश्चन ही आपका कह रहा है कि फर्स्ट लेटर को आपको लिख करके इसका नाम को पूरा करना है, तो यहाँ L लिखेंगे तो लेटर्स हो जाएगा, अभी अपने बुक में बने। और यहाँ T लिखेंगे तो एक टेम्पल हो जाएगा, ठीक है, ये लोटस टेम्पल हो गया। यहाँ पे खाली जगह में I लिखेंगे तो ये इंडिया हो जाएगा, और यहाँ G लिखेंगे तो गेट हो जाएगा। ये सब दिल्ली में ही है, ठीक है, इसलिए आपको कह रहा है कि अगर तुम दिल्ली जाओ तो इन सब जगहों को अवश्य देखो। यहाँ आर लिख करके आप इसको, ईडी पहले से है तो रेड हो जाएगा, एफ लिखेंगे तो फोर्ट हो जाएगी, रेड फोर्ट है, लाल किला। यहाँ जे लिखेंगे आप, उसके बाद ए एन टी ए आर है, जंतर हो जाएगा। एम लिखेंगे तो एम ए एन टी आर मंतर हो जाएगा, जंतर मंतर हो जाएगा, ये सब दिल्ली में ही है। यहाँ है जे लिखेंगे आप तो जे एम ए जमा हो जाएगा, एम लिखेंगे तो एम ए एस जे आई डी मस्जिद हो जाएगा। ये सब चीज़ जो है सो बच्चों दिल्ली में है, एक कैपिटल ऑफ इंडिया में। आज आप देखिए प्राइम मिनिस्टर को देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं, आप प्रेसिडेंट को देखिए, रामनाथ कोविंद हैं, और यहाँ पे एक बिल्डिंग को देखें जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, इनको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। और यहाँ फोर नंबर में आप एक बिल्डिंग को देख रहे हैं, इसमें भारत की नीति और क्रियाकलाप की डिस्कस किए जाते हैं, इसको पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं। चलिए बच्चे, अब इसको बोर्ड पे आपको थोड़ा सा और इसको हम आगे समझा देते हैं। आइए, इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिए। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप आंसर में क्या लिखेंगे? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है? आंसर आप क्या लिखोगे? श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद। सेंटेंस में अगर लिखना हो तो आगे बढ़ जाएगा, श्री रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट थ्री नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव, भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? आंसर आप क्या लिखोगे? राष्ट्रपति भवन लिखोगे। चलिए, आप लोग अपने कॉपी पे इस क्वेश्चन आंसर को अवश्य लिख लें, इम्पोर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए। फोर नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द पॉलिसी ऑफ द कंट्री टू बी डिस्कस्ड, यहाँ पे भारत की नीति कहाँ पे डिस्कस की जाती है? तो आप आंसर में लिखेंगे पार्लियामेंट हाउस। बच्चों, आज का आपका लेक्चर वीडियो 23 में आप चैप्टर कैपिटल ऑफ इंडिया से बस इतना ही।